दो तरीके की ग्रीन चटनी, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार होती है और ये रमज़ान में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका विद रूबी। मैं आज आप लोगों के साथ दो तरीके की ग्रीन चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार चटनी है, ये रमज़ान स्पेशल चटनी है। ये मेरी पुदीने वाली चटनी है और ये धनिया और टमाटर वाली चटनी। इन चटनियों के साथ समोसा, पकौड़ी, भजिया, जो भी चीज खाते हैं उनका जायका दोगुना हो जाता है। तो देखते हैं इस मजेदार दो तरह की अलग अलग ग्रीन चटनियों को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और मैंने इसे कैसे बनाया है। पुदीना की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल, एक कप मैंने पुदीना लिया है। इसे मैंने इसकी पत्तियां अलग निकाल ली थी, फिर मैंने इसे तीन चार पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि पुदीना में मिट्टी बहुत ही ज्यादा लगी होती है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे वॉश करने के बाद मैंने इसे स्ट्रेनर में रख दिया था और इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। तो अब ये चटनी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने ली है ये तीन हरी मिर्च, ये वैसे थोड़ी सी कम तीखी होती है, लेकिन आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, आपको चटनी जैसी पसंद है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ये पुदीना के आधा हरा धनिया लिया है मैंने। और इस चटनी को खट्टापन देने के लिए मैंने यहाँ पर आधा नींबू लिया है और ये दो तीन मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर नमक लिया है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा तीखा खाना पसंद है चटनी में तो आप इसमें मिर्च और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें मैं सबसे पहले ये पुदीना ऐड कर दूंगी। पुदीना डालने के बाद मैं इसमें मैंने ये जो हरी मिर्च ली थी उसे मैं ऐसे डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा कट करके, जिससे इसे पीसने में आसानी होगी। हरी मिर्च भी ऐड करने के बाद मैं इसमें ये मैं लेमन हटाकर पहले तो ये धनिया, लहसुन, जीरा और नमक भी यहां पर ऐड कर दूंगी। सारी चीजें ऐड करने के बाद मैं इसमें मैंने ये जो लेमन लिया था मैं उसे भी यहां पर डाल दूंगी। इसमें इस जगह पर लेमन डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम चटनी में पीसते टाइम ही लेमन डाल देते हैं तो इससे चटनी का हरापन बरकरार रहता है। मैंने अब चटनी जार में सारी चीजें ऐड कर दी हैं, तो अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर डाल रही हूँ। ठंडा पानी डालने से चटनी का रंग हरा हरा रहता है। तो आइए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी पुदीने की मजेदार चटनी बिल्कुल रेडी है। पुदीना वैसे भी गर्मी के दिनों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, ये बॉडी को काफी ठंडक देता है। तो अब मैं इसे एक बोल में शिफ्ट कर लूंगी। देखिए अब मेरी पुदीने की चटनी बिल्कुल रेडी है और ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए इसकी, ये ना ज्यादा पतली है और गाढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। पुदीने की चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, ये पूड़ी, पराठा, कचौरी, समोसा, पकौड़े, भजिया, किसी भी चीज के साथ अच्छी लगती है। ये खास तौर से ये जो मूंग की भजिया बनती है, मूंग दाल की पकौड़ी, उसके साथ इस चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे मैं रख देती हूँ एक तरफ। आइए अब चलते हैं अपनी दूसरी चटनी की तरफ, टमाटर और हरे धनिया वाली चटनी। मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, इसे मैंने 1 कप लिया है और इसे भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर इसे मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था, इसका पानी निकाल दिया अच्छे से। अब मैंने इसे इसमें रख लिया है, अब ये पीसने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे मैंने ये दो हरी मिर्च ली है, आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये थोड़ी फीकी मिर्च है। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है चटनी को थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए। 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून जीरा है और यहाँ पे मैंने 2 लहसुन के जवे लिए हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना पत्ता लिया है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपको इस चटनी में इसे नहीं डालना है तो आप ना डालें, लेकिन इसके डालने से चटनी का टेस्ट बहुत ही इनहेंस होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और चटनी को थोड़ा सा ज्यादा खट्टापन देने के लिए, क्योंकि चटनी है तो खट्टी होनी ही चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा नींबू लिया है। आइए अब धनिया और टमाटर वाली चटनी भी तैयार कर लेते हैं। चटनी तैयार करने के लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें मैं सबसे पहले ये जो मैंने धनिया पत्ता लिया था इसे मैं ऐड कर दूंगी। इसे मैंने पहले से ही थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। धनिया पत्ता ऐड करने के बाद मैं इसमें ये हरी मिर्च भी डाल दूंगी कट करके। मैंने ये जो टमाटर लिया था मैं इसे भी यहाँ पर कट करके ऐड कर दूंगी। हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें मैंने ये जो भी जीरा, नमक, लहसुन और
पुदीना पत्ता लिया था, सिर्फ नींबू को हटा के भी मैं ये सारी चीजें भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। सबसे लास्ट में मैं इसमें यहाँ पर नींबू का रस भी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने जो टमाटर लिया है तो वो ज्यादा खट्टा नहीं है, वो मीठा वाला टमाटर है, इसलिए मैं यहाँ पर आधा नींबू भी डाल रही हूँ। मैंने इसमें सारी चीजें डाल दी है, अब मैं इसमें लिड लगा के इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। इसमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर से अपना खुद का ही एक पानी रिलीज होता है। देखिए अब मेरी धनिया और टमाटर वाली चटनी भी रेडी है, तो ये देखिए ये भी कितनी बेहतरीन लग रही है, ये देखिए कितना अच्छा हरापन आया है इन चटनियों में। तो मैं अब इसे भी एक सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए जबरदस्त दो तरीके की ग्रीन चटनियां बनके बिल्कुल रेडी है। ये मेरी पुदीने वाली चटनी है और ये धनिया और टमाटर वाली चटनी है। ये दोनों ही चटनियां टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार होती है, और रमजान शरीफ में तो इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर इसके अलावा भी आपको किसी ग्रीन चटनी की जरूरत है, तो आपको मेरे चैनल पर रेस्टोरेंट स्टाइल दही वाली ग्रीन चटनी बनाने की रेसिपी मिल जाएगी, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। आप इन चटनियों को अपने घर में जरूर बनाइएगा, तो इन चटनियों के साथ जो भी चीज खाते हैं उनका जायका दोगुना हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये ग्रीन चटनी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।